अंधेरे में एक मोमबत्ती जलाने भर से ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जैसे उत्साह और खुशियों भरा करिश्मा हुआ हो। वैक्स यानी मोम एक करिश्माई उत्पाद है जो रंगीन सजावट, कलाकृतियों, आध्यात्मिक प्रतीकों और मशहूर हस्तियों की मूर्तियों को जीवंत बनाता है। इसके साथ ही मोम को रबर प्रोसेसिंग, चमड़े के उत्पादों, तिरपाल, पीवीसी पाइप्स, माचिस बनाने, पॉलिश, पेंट और कॉस्मेटिक्स उत्पादन में भी इस्तेमाल किया जाता है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने अपने हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन का विस्तार करते हुए भारत में सबसे बड़ी क्षमता वाला मोम उत्पादन प्लांट स्थापित किया है। आसाम के क्रूड यानी कच्चे तेल में अत्यधिक मोम के अंश मौजूद हैं। इसके उपयोग से एनआरएल की मोम इकाई प्रतिवर्ष 50,000 मेट्रिक टन उच्च गुणवत्ता का पैराफिन मोम और सेमी माइक्रोक्रिस्टलाइन मोम उत्पादन की क्षमता रखती है। एनआरएल का वैक्स प्लांट सरकार के मेक इन इंडिया मिशन के लिए भी एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग पड़ाव है। एनआरएल ने अपनी स्वदेशी तकनीक कुशलता के जरिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के साथ मिलकर इस प्लांट के अधिकतर हिस्सों का निर्माण किया है और इसकी प्रक्रियाएं विकसित की हैं। एनआरएल वैक्स प्लांट की कमिश्निंग के साथ ही भारत ने अपनी मोम उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि की है। इस प्रकार से भारतीय मोम उत्पाद निर्माताओं को दूसरे देशों से इंपोर्ट पर निर्भर रहने की बजाय अब भारत में ही उच्च गुणवत्ता मोम मिल सकेगा। वहीं मोम की आसान उपलब्धता से छोटे एवं कुटीर उद्योगों को मोम के विभिन्न उत्पादों एवं कलाकृतियों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर विकसित किए जा सकेंगे। एनआरएल द्वारा पहले से ही प्लांट के आसपास स्थित नए उभरते उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जहां उन्हें कम से कम उपकरणों और निवेश के साथ मोमबत्ती उत्पादन इकाइयां लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब जब भी कभी एक मोमबत्ती जलती है तो खुशियां मनाने के कई और भी कारण होते हैं, न सिर्फ भारत के लोगों के लिए बल्कि इस उद्योग के लिए भी। भारत को अच्छी क्वालिटी के मोम का किफायती और भरोसेमंद स्रोत प्रदान करना एनआरएल के लिए महज राष्ट्र निर्माण हेतु उठाया गया एक बड़ा कदम नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण ये है कि इससे देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की प्रगति में योगदान देने में मदद भी मिलती है।